एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। से सबसे पहले गाइस, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आप लोगों के घर में खुशियां आए, उन्नति आए, माता रानी ढेर सारी खुशियां देकर जाए आप लोगों को। और चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा ईजी एंड इफेक्टिव रेमेडी, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ही टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी कुछ नाइट के बारे में बताइए, जो नाइट क्रीम हम यूज कर सकें या नाइट कुछ फेस पैक्स को हम लगा के सो सकें और हमारी स्किन जो है सुबह ही सुबह हमको बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड ब्राइट दिखे। तो आज की जो रेमेडी है गाइज, वो 100% आप लोगों के लिए है। एक तो ये 99% मैं बोल सकती हूँ, इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपकी स्किन की जो 99% प्रॉब्लम है वो आपको खत्म होते हुए दिखाई देगी। और साथ साथ अगर आपकी 30+ है, 35+ है, तब भी आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं और बच्चे भी यूज कर सकते हैं। 9 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। अगर उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी रेमेडी है। किस तरीके से यूज करना है, बच्चों को किस तरीके से यूज करना है, बड़ों को किस तरीके से यूज करना है, बस प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में किस तरीके से आपको यूज करना है। और ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है बचपन से ही डार्क क्यों ना है, जैसे आप लोग YouTube चैनल पे देखते होंगे कि लोग बाहर थंबनेल पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर वीडियो की जब आप अंदर जाते हैं तो आप लोगों को सुनने को मिलता है कि ये आपके कलर को ब्राइट नहीं कर सकते। अगर आपका कलर जो है बचपन से डार्क है तो कोई रेमेडी आपके कलर को ब्राइट नहीं कर सकती, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को ग्लोइंग नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती, यानी कि कुल मिला के बस वो थंबनेल आपको बुलाने के लिए लगा देते हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, उनकी रेमेडी में इतने मैजिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आप बता सकती हूँ कि आपको अगर आप, ये साइंटिफिक प्रूफ है, अगर आप अपने स्किन की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, अपने स्किन को प्रॉपर केयर करते हैं, अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं, तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन बचपन से ही डार्क क्यों ना है, आप एक बॉर्न बेबी जब हुए होंगे तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कितना भी डार्क क्यों ना रहा होगा, अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है 2 से 3 शेड तक ब्राइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको इतना करना है कि अपने स्किन की प्रॉपर देखभाल करनी है। और ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख सकती हूँ, ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड चीज़ें हैं जो मैं लेकर आती हूँ। जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी रेमेडीज़ होती हैं, मैं उनकी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पे जितनी भी रेमेडीज़ हैं 100% इफेक्टिव होने का मैं इसीलिए दावा करती हूँ, 200% इफेक्टिव होने का मैं इसीलिए दावा करती हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसे ही आटा चीनी घोल कर आप लोगों को नहीं लगाना बताती हूँ। मैं जितनी डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं, रेमेडीज होती हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कितना भी डार्क क्यों ना है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम क्यों ना है, बच्चे हैं, बच्चों का कलर डार्क क्यों ना है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत टाइम से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मैम बच्चों के लिए कुछ बताइए, तो इस रेमेडी को आप बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं, बस लगाने का तरीका अलग है, बड़ों को अलग तरीके से यूज़ करना है, बच्चों को अलग तरीके से यूज़ करना है। सो चलिए गाइस, हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, हम अपनी 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमको फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कलौंजी, यानी कि ब्लैक सीड्स। कलौंजी के फ़ायदे आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे बता देती हूँ। कलौंजी में आयरन होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है एंड बहुत सारे गुड़ होते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि कलौंजी जो होती है, केवल कलौंजी के बारे में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि इससे बोला जाता है कि ये केवल मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, बाकी आपके शरीर में हर मर्ज की दवा है, तो आपकी स्किन को गोरा करने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसको हमें इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, एक स्मूथ सा पाउडर बना लेना है। कलौंजी में एक लियोपेटिक नाम का अनोखा पदार्थ पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपकी स्किन पे होने वाले 99% प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, चाहे आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो, डार्क सर्कल हो, चाहे आपकी छाइयाँ पड़ी हों, सबको पूरी तरीके से क्लीन कर देगा और आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर देता है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आप ऐसी फर्स्ट रेमेडी में आपको बता रही हूँ जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं एंड उबला हुआ दूध, यानी कि आप इसमें बॉयल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप 30+ हैं या 40+ हैं तो मैं स्पेशली आपको बोलती हूँ कि इसमें आप गाय का कच्चा दूध ऐड करके इसको रोज़ यूज़ करें, आपको एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके जो रिंकल्स हो रखे हैं चेहरे पे पूरी तरीके से धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि इस रेमेडी को आपको तुरंत यूज़ नहीं करना है, इसे 10 मिनट तक आपको रेस्ट पर रहने देना है, चाहे आप बच्चे को यूज़ करें चाहे खुद करें, और इसको इसी तरीके से रख देंगे और 10 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेक्स्चर भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हमने इसे 10 मिनट रख दिया था और ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा चम्मच से चलाएंगे ना तो ये अच्छे तरीके से स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाएगा। और मैं इसे आपको अपने फेस पे लगा के भी दिखाऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से नाइट में यूज़ करना है और मॉर्निंग में क्या यूज़ करना है, कैसे।
जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नाइट फेस मास्क है, तो इसे आपको जब भी यूज़ करना है नाइट में यूज़ करना है। और इसका दो प्रोसेस है, तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मॉर्निंग में आपको कैसे फेस वॉश करना है, अपना फेस कैसे क्लीन करना है, और इसे लगाने का जो सही तरीका है, किस तरीके से आप इसे लगा के रखेंगे। अब आप कहेंगे कि हम फेस मास्क रात भर लगा के तो नहीं सो सकते हैं, तो डोंट वरी, मैं आपको पूरा सही तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पे मैंने इसे पूरी तरीके से लगा लिया है। अच्छी तरीके से कॉटन बॉल की हेल्प से लगाएंगे तो अच्छी तरीके से लग जाएगा, चाहे तो हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ बीस से 25 मिनट तक इस फेस मास्क को अपने फेस पे लगा के रखिए, और उसके बाद अपने फेस पे जेंटली मसाज कीजिए। मसाज आपको 5 मिनट ही करना है। मसाज करने के बाद आपको बस इसे क्लीन कर लेना है, कॉटन बॉल की हेल्प से करना है, आपको पानी का यूज़ नहीं करना है और बस सो जाना है। और मॉर्निंग होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ, वो अलग स्टेप है। आपको पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है यहाँ। इस तरीके से क्लीन करने से ये जो फेस मास्क है आपके बेड पे इधर उधर गिरेगा नहीं, और दूसरा इसके जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके चेहरे पे रात भर वर्क करती रहेंगी। तो आपको बस फेस को क्लीन नहीं करना। और यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ टमाटर, ये आपको मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में आपको अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन नहीं करना है। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक टमाटर लेना है, शुगर उस पर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप इस पर थोड़ा सा शहद हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से आपको 5 मिनट तक स्क्रबिंग करना है। ये आपको मॉर्निंग में करना है, ये वाला जो स्टेप है टमाटर का, ये आपको मॉर्निंग में करना है। और इसे आपको बच्चों को यूज़ नहीं करना है, याद रखिए। अगर आप बच्चे को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को ये टमाटर वाला स्टेप आपको यूज़ नहीं करना है। केवल जो फेस मास्क है वही यूज़ कीजिए, टमाटर वगैरह कुछ नहीं। 2 से 3 मिनट तक बस आपको अपने फेस पे इस तरीके से टमाटर को और चीनी को घिसना होगा। ये बेस्ट स्क्रब का काम करेगा, आपके स्किन से डेड स्किन को पूरी तरीके से निकाल लेगा। सन टैन की वजह से आपकी स्किन जो डैमेज हुई है उसको भी रिपेयर करेगा। साथ साथ टमाटर आपके गालों को और आपकी स्किन को नेचुरल पिंक भी बनाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो अब मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से नॉर्मल पानी से क्लीन कर लिया है। फर्स्ट टाइम ही आप इस रेमेडी का रिजल्ट देख सकते हैं, जबकि मैंने इसे ओवरनाइट लगा के नहीं रखा था। अगर आप इसे ओवरनाइट लगा के रखते हैं तो आपकी स्किन को हीरे की तरह चमका देगा, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और इस फेस पैक को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय।